फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के यूटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जे एंड के री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रहेगा। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होने वाला है आपका। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इनएक्टेड। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, 2018, 2019, 2020 या 2021। तो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 2019 रहेगा, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनियन टेरिटरी, टू ग्रांट स्पेशल ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर, टू मर्ज जम्मू एंड कश्मीर विद नाइबरिंग कंट्री, यस डी टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट है, टू एस्टेब्लिश अ न्यू यूनियन टेरिटरी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच यूनियन टेरिटरी वॉज क्रिएटेड बाई बाइफरकेटिंग जम्मू एंड कश्मीर अंडर द एक्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, जम्मू एंड कश्मीर को के साथ और कौन सा एरिया था जिसको अलग किया गया था, बाइफरकेट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं जिन बच्चों को इसका क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, लद्दाख इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, यूनियन टेरिटरी थी, स्टेट थी, अनॉटमस रीजन था, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, तो बी स्टेट इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 वाज पास्ड। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का तब जब जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया था, तब नरेंद्र मोदी जी थे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 370 को हटाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जितनी भी ये वीडियोस हैं इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट स्पेशल प्रिविलेज व्योर रिवोक बाय द एब्रोगेशन ऑफ 370। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट है, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था जिसको रिमूव किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच पोलिटिकल पार्टी स्ट्रांगली ओपोजिट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज कर रही थी, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कैपिटल जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो दो ही हैं, विंटर और समर। तो यहाँ पे जो इसकी बात की जा रही है वो श्रीनगर है, तो सी बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे,
विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर असेंबली अनलाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह दिल्ली रहेगा, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वेयर कार्विड आउट ऑफ द रिस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन। तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, तो 22 इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच यूटी शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो लद्दाख रहेगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म या बुद्धिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी इस्लाम इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट द स्पेशल प्रिविलेज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ओनरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं, नो चेंज, एबोलिश्ड, स्ट्रेंथन या टेम्प्रोरी सस्पेंडेड। तो इसका अबोलिश बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ 2024। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही इजी आंसर है ये। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मनोज सेना, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच कंट्री राइज्ड कंसर्न इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवर द एवरीगेशन ऑफ 370। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, पाकिस्तान इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन साइटेड फॉर द एब्रोगेशन ऑफ 370। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, सोशल इक्वलिटी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसका जो इशू था वो नेशनल सिक्योरिटी था, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है, इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन, डिक्रीज रिप्रेजेंटेशंस या नो चेंज इन द रिप्रेजेंटेशंस या रिप्रेजेंटेशंस शिफ्टेड टू रीजनल काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच इंडियन स्टेट्स बॉर्डर्स बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पंजाब रहेगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जम्मू एंड कश्मीर की, आप तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, उर्दू इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।